बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अंडों की पैदावार बढ़ाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती, या छोटे अंडे देती हैं, या अंडों पे ब्लड लगा होता है। तो इन सब जो मसाइल हैं इनका हल मैं आपको बताऊँगा तो इस व्लॉग में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं आपको आज ये देखें, मैं टोकरी एक साथ लेके आया हूँ, आपको ये भी दिखाऊंगा कि आज मेरी मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। और जो मैं आपको टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा उनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, जिस वजह से मेरी मुर्गियाँ जो हैं अच्छी तादाद में अंडे देती हैं। तो आए व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेड के अंदर ले कर चलता हूँ। तो ये आगे दरवाज़ा खुल गया, ये हम शेड के अंदर आ गए हैं। तो ये देखें, अभी भी माशाल्लाह मुर्गियां क्रेट में बैठी हुई हैं अंडे देने के लिए। ये देखें, वो उधर भी बैठी हैं, वो कोने में। ये देखें, अच्छा सबसे पहले ये देखें, शेड के अंदर थोड़ा सा पानी भी आ रहा है बारिश की वजह से, ये देखें। लेकिन ये पानी जो है ना मुर्गियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप भी अपनी मुर्गियों को पानी से, बारिश के पानी से। आजकल के दिनों में आपको पता है कि बरसात है तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मुर्गियों को बारिश के पानी से बचाएं। तो चले खैर, इसका तो मैं कुछ हल करता हूँ। इसको भी नीचे से सफाई भी करनी पड़ेगी और ऊपर से भी, इसको इसकी छत से पानी लीक हो रहा है थोड़ा सा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसका भी कोई देखता हूँ छत पे जाके क्या मसला है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगा अंडों के पैदावार को बढ़ाने के लिए, कि जो लोग कहते हैं कि हमारी मुर्गियाँ अंडे देती हैं कम देती हैं। तो सबसे पहले तो अंडों की पैदावार बढ़ाने का जो डायरेक्ट लिंक है ना, रोशनी के साथ है। जो इनको मुर्गियों को रोशनी चाहिए होती है ना, उसका बहुत अहम किरदार है मुर्गियों के अंडे देने के अमल से। तो सबसे पहले जब मैं आपको बताऊं कि जो मुर्गियां पट्टियां तैयार होती हैं, जो नए नए अंडे स्टार्ट करती हैं, उनको शुरू में रोशनी चाहिए होती है 14 घंटे। 14 घंटे उनकी रोशनी आपने हर हाल में पूरी करनी है। अगर तो सूरज की रोशनी 14 घंटे हो रही है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास सूरज की रोशनी जो है 14 घंटे से कम है, तो आपको चाहिए कि आप अपने शेड में या डरबे में या खुडे में, जिसमें भी आपने मुर्गियां रखी हुई हैं, कोई मसनू रोशनी, कोई आप बल्ब लगा लें, कोई LED लाइट लगा लें, मसनू रोशनी से उसके 14 घंटे जो है ना वो पूरा करें। इससे क्या होगा कि एक तो मुर्गियों में अंडों की पैदावार बढ़ेगी, दूसरा ये कि मुर्गियां जो हैं अंडे ज़्यादा देंगी। और अच्छा, जो रोशनी है ना पट्टियों की, वो 14 घंटे है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, मुर्गियों की उम्र बढ़ती जाएगी, यानी कि जब सारे अंडे मुर्गियां सारी मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देंगी, तो आपने अच्छा जब आपकी सारी मुर्गियाँ अंडे देना शुरू कर देंगी, तो आपने इनकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी शुरू कर देनी है। जब आपने देखा ना कि आपकी पट्टियाँ जो हैं मुर्गियों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, अंडे इक्का दुक्का अंडे आने शुरू हो गए हैं, तो स्टार्ट में आपने 14 घंटे रोशनी देनी है। और जैसे जैसे आप देखें कि उनके जो अंडों की तादाद बढ़ती जा रही है, आपने जो रोशनी का दुरानिया ना वो बढ़ाना शुरू कर देना है। शुरू में आपने 14 घंटे देनी है, फिर हर हफ्ते के हिसाब से कर लें, 5-5 मिनट करके ना इनकी रोशनी जो है ना वो 14.5 घंटों पर लेके आनी है। अगर मैंने आपको पहले बताया कि सूरज की रोशनी अगर इतने टाइम के लिए बन रही है, आ रही है, तो ओके है। इसके अलावा अगर सूरज पहले ग़ुरूब हो जाता है, रोशनी जो है उसकी इतनी नहीं बन रही 14.5 घंटे, तो आपने मसनूई रोशनी, कोई लाइट वगैरह, कोई बल्ब वगैरह लगा के इनकी रोशनी लाजमी पूरी करनी है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपने रोशनी का जो दुरानिया ना बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। आपने 5-5, 10-10 मिनट करके रोशनी बढ़ानी है। ये नहीं करना कि आपने आज फर्क करें आज से आपने रोशनी बढ़ानी है तो आप एकदम से उसका 0.5 घंटा बढ़ा दें, 14 घंटे से आप डायरेक्ट 14.5 घंटे पे ले आएँ। इससे क्या होगा, मुर्गियां के स्ट्रेस में जाने का ख़तरा होता है। आपने 5-5 मिनट करके 10-10 मिनट करके ना रोशनी बढ़ानी है। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, आपने इनकी जो रोशनी है ना वो 16 घंटे तक लेके आनी है, उम्र जैसे जैसे मुर्गियों की बढ़ती जाएगी। तो अच्छा, दूसरे नंबर पर है खुराक की मैनेजमेंट, के खुराक आपने खुराक का टाइम फिक्स रखना है। 2 टाइम आपने खुराक डालनी है। पहली खुराक फर्ज करें आप डालते हैं सुबह 6 बजे, तो ठीक दूसरी खुराक जो है ना आपने 8 घंटे के वक्फे के साथ 2 बजे डालनी है।
ऐसे ही अगर आप फर्ज करें खुराक 7 बजे डालते हैं तो दूसरी खुराक 3 बजे बनेगी, यानी कि पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में 8 घंटे का फर्क होना चाहिए, यानी कि फासला होना चाहिए 8 घंटे का। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो मुर्गियां जब आज अंडा देती हैं ना, एक अंडा देने के बाद कुछ ही उसके मिनटों के बाद, 10-15 मिनट के बाद जो दूसरा अंडा है उसका बनने का अमल जो है शुरू हो जाता है, जिससे खुराक से इनका बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक है खुराक की मैनेजमेंट से। क्योंकि अगर खुराक का टाइम आपका फिक्स नहीं होगा तो आपकी मुर्गियां अंडे कम देंगी। आपने खुराक का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है और इससे आपके मुर्गियां जो है ना अंडे भी ज़्यादा देंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब ये कुछ टिप्स थी जिससे आपको यकीनन आपको मुर्गियां अंडे ज़्यादा देंगी। मैं खुद इस पे अमल करता हूँ। अब मैं पहली खुराक डालता हूँ इनको 7 बजे और दूसरी खुराक 3 बजे डालता हूँ 8 घंटे के वक्फे के साथ। और जो रोशनी है आजकल, वैसे भी आपको पता गर्मियाँ चल रही हैं, तो जो 14-15 घंटे की रोशनी है ना वो सूरज से ही पूरी हो जाती है। इस वजह से ये देखें आपको ये तारे वैसे ही नज़र आ रही होंगी, ये होल्डर लगा हुआ है, बल्ब इसके साथ अटैच नहीं है, क्योंकि वैसे ही 14-15 घंटे की रोशनी है ना सूरज से ही पूरी हो रही है। तो जब अब आगे जब सर्दियाँ आएंगी तो तब मैं इधर 2 बल्ब लगाऊंगा ताकि इनकी जो रोशनी है ना 16 घंटे या 15 घंटे जितनी भी बनती है वो पूरी हो सके। तो ये कुछ टिप्स थी ज़रूरी जिससे आपको यकीनन, मैं खुद भी इन चीज़ों पे अमल करता हूँ तो मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तादाद में अंडे देती हैं। तो आज भी आपको दिखाता हूँ कि आज मेरी मुर्गियों ने कितने अंडे दे दिए हुए हैं। तो आए अब अंडों की कलेक्शन करते हैं। तो वो बाहर सामने टोकरी पड़ी हुई है दीवार पे, वो लेके आता हूँ मैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कितने अंडे हुए हैं। ले जी, ये टोकरी मैंने पकड़ ली है, दोबारा चलते हैं अंदर और देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेरी मुर्गियाँ ना वो कूलर के ऊपर भी अंडे देती हैं, तो सबसे पहले उधर देखते हैं कि कितने अंडे पड़े हुए हैं कूलर के ऊपर, तो फिर आगे क्रेट में देखते हैं। ले जी, इधर से हमें मिल गए हैं 3 अंडे, इनको हम टोकरी में रखेंगे। ये अंडे हमने 3 टोकरी में रख लिए हैं। अब हम चलते हैं, ये पेयर है गोल्डन सुब्राइट का, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये अभी इसने एगलिंग स्टार्ट नहीं की मुर्गी ने, अभी ये बस शुरू करने वाली है, एज इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं क्रेट की तरफ, उसमें देखते हैं कि हमें कितने अंडे मिलते हैं। जी लें जी। अच्छा जी, अभी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, अभी तकरीबन 10-11 का टाइम है, तो ये देखें इसके नीचे देखते हैं मुर्गी के नीचे कितने अंडे हैं मिलते हैं हमें। ये 2 मिल गए हैं, और भी देखते हैं, ये एक और पड़ा हुआ है, एक और मिल गया है। ये थोड़ा सा इसको वो बारिश की वजह से ना गंद लग गया था। और कोई देखते हैं इसके नीचे है कि नहीं है, ये एक और पड़ा हुआ है इसके नीचे, ये देखें माशाल्लाह आपके सामने। अभी आधे अंडे भी नहीं आए माशाल्लाह से, मेरी तकरीबन 20-22 मुर्गियाँ हैं और डेली के मुझे तकरीबन जो है ना 17-18 अंडे आते हैं, जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज है। इसके नीचे भी देखते हैं, ये वैसे मुर्गी कुड़क हुई है, ये देखें इसके नीचे भी एक मिल गया है। एक और देखते हैं, नहीं बस एक ही है। अब इधर देखते हैं, इस क्रेट में देखते हैं, इधर आया कोई, नहीं इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इसके नीचे देखते हैं कोई पड़ा हुआ अंडा के नहीं, ये भी मुझे लगता है इस मुर्गी ने भी कुड़क पे आ गई हुई है। नहीं जी, इसके नीचे भी कोई नहीं है फिलहाल अंडा। तो अभी तक देखते हैं कितने अंडे काउंट करते हैं हम। ये रहे जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 अंडे आ चुके हैं जी। और अभी तकरीबन 10-11 का टाइम है, तो अभी मुर्गियां ये देखें बैठी हुई हैं, अभी इसमें भी अंडा देना है, उसमें भी देना है। अभी और भी मुर्गियां बैठ रही थी तो मैं ऊपर आया तो वो उठ गई हैं। तो ये जो मेरी मुर्गियां तकरीबन डेली के 18-19, कल 19 अंडे आए थे, कल मैंने व्लॉग डाला था तो अंडे कलेक्ट किए थे, तो उसके बाद में मुझे 3-4 अंडे मिले थे, 19 या 20, 18-19 अंडे थे टोटल, तो जो कि काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। तो सिर्फ इसी वजह से कि जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की है ना, मैं उन पर अमल करता हूँ, इस वजह से मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी मुर्गियाँ भी ज़्यादा अंडे देना शुरू कर देंगी। और इसके अलावा एक और बात, जो अगर रोशनी पूरी करेंगे तो जो आपकी मुर्गियों के ऊपर, अंडों के ऊपर ब्लड आ रहा था वो भी नहीं आएगा और आपकी मुर्गियाँ भी अंडे अच्छे देंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।